नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज खुशखबरी का दिन है। आज है 8 सितंबर 2018। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अमित जी का अनशन तुड़वा दिया गया है। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं आमरण अनशन था वो कैसे टूट गया। तो साथियों, अमित गर्ग जी का आमरण अनशन तोड़ने के लिए पूर्व मंत्री जगबीर सिंह जी व अन्य लोग शामिल रहे। प्रशासन द्वारा आश्वासन देने के बाद धरना का समापन किया गया, जिसमें लोगों का पैसा सरकार द्वारा न दिए जाने पर धरने का आयोजन किया गया था। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 3 साल से PSEL कंपनी और अन्य कंपनी का पैसा नहीं दिया जा रहा है सरकार द्वारा। तो साथियों, अगर आपने कोई भी कंपनी में निवेश किया है तो उस कंपनी का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम सभी PSEL की लड़ाई में आप सभी लोगों का पैसा दिलवाने की कोशिश हो रही है साथियों। तो साथियों, आप लोग यह वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, यह वीडियो देखते हैं जिसमें रानू निगम जी ने आप सभी लोगों को मैसेज दिया है, और उस मैसेज को साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथियों उसको अमल में लाइएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि PSEL कंपनी से जुड़ी जानकारी आप सबसे पहले पाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तहे दिल से आप सभी को नमन करती हूँ, आप सभी का सम्मान करती हूँ और आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने यहाँ आके अमित गर्ग जी का मान भराया, उनको एक मार्गदर्शन के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और उनका एक सहयोग किया। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के एक बार नमस्ते करना चाहूंगी। अमित भैया, रियल में ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए, एक आम आदमी है ना, ये है, इस बात का जवाब दीजिए। बस मैं आपसे और जवाब नहीं मांगूंगी। ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये एक आम आदमी है बिल्कुल, लेकिन अब आपको पता चला एक आम आदमी में वो पावर होती है कि सबके सब खिसते हुए यहाँ चले आए आए। आपने देखा ऐसे सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट, मंत्री सब आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। तो अगर एक आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए आपके अंदर भी वो टैलेंट है, लेकिन तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। देखो, अब तुमको एक मौका मिला है देखने का, तो मैं समझती हूँ कुछ देख भी रहे हो। यहाँ से जाने के बाद ये मैं सोचना अच्छा होगा हम लोग फ्री हुए। अरे, इसमें 50% आदमी ये सोच रहे होंगे ये लोग कब फ्री हो, ये लोग कब भागे यहाँ से, तो हमें भी जाने का मौका मिले। तो सुनिए, ऐसे आप लोग कोई भी बाउंड नहीं हो, जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन एक बात आप याद रखिए, ये लड़ाई, ये नींद यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन पता नहीं कहाँ खत्म होगी। इसका कोई भी अर्थ नहीं है कि ये दिल्ली में खत्म हो या लखनऊ में। हाँ, एक बात जरूर बताऊंगी, ये जिस समय खत्म होगा उस समय आपका पैसा आपके पॉकेट में होगा, तभी ये खत्म होगा, अदरवाइज ये खत्म नहीं होगा। तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। उस दिन के लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी, सबों ने मेरी बात को माना, मेरी बात को समझा और एक के साथ पांच को लेकर आए। इसके लिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के नमन करूंगी, धन्यवाद। दूसरी बात देखिए, ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। आप भी जानते हैं, कोई भी कंपनी आती है मार्केट में धड़ल्ले से आती है, आप जैसे भाई को बोलती है इसमें इतना प्रॉफिट है, आप करिए, 1 महीने बाद 2 लाख रुपए महीने कमाएंगे, भाई क्या मेरे पास भी ऑफर आएगा, उसे मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने भी किया, इन्होंने भी किया, लेकिन जब वो कंपनी भागती है तो हम किसको पकड़ते हैं, अपने सीनियर को। सीनियर किसको पकड़ता है, उसको, वो किसको पकड़ता है, उसको, एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे वो भरते चले जाते हैं कि तूने मुझको फंसाया, तू नहीं, ये लोगों ने नहीं फंसाया, बल्कि ये लोग
मार्केट में आई तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, समझ रहे हैं ना कि एमपी सरकार को अभी आपने कुछ दिन पहले और देखा होगा उसका मुद्दा तो किसी ने उठाया ही नहीं। एक कार नहीं आया था कि आप स्टीकर चुपकाइए हम आपको कार आपकी पैसा हमारा, ये था गोली भाग गई। तो जिसमें सारे अधिकारी जानते थे कि ये कंपनी भागी थी, सब अधिकारी को नॉलेज होता है। आजकल सरकारी बैंक क्यों नहीं भागती है पता है क्यों? क्योंकि सरकारी बैंकों की कमान उनके हाथ में है ही नहीं, इसलिए नहीं भागते। प्राइवेट वाले क्यों भागते हैं? क्योंकि किसी नेता का परिचित होता है, वो किसी नेता का रिश्तेदार होता है, जो कंपनी ओनर है डायरेक्टर है वो किसी नेता से लिंक होता है उसका, इसलिए उसकी इतनी पावर है वो भाग जाता है। नहीं तो आप लोगों से दोनों से लड़ाई हो जाए, 151 में पुलिस डाल दे, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप कितने भी फोन करा देना पर पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने आप को दोषी ना समझें, कोई भी निवेशक ये ना सोचे हमारे सीनियर ने फंसाया, हो गए हमारे सीनियर ने फंसाया, ऐसा नहीं है। वो भी फंसे और आप भी फंसे, उसको नहीं पता था, नहीं तो वो अपना फंसाता आपका नहीं फंसाता। दूसरी बात ये है अब ये लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, आप लोगों को दिल्ली जाना है और 100% जाना है। ये ना सोचे, अगर आप सोचेंगे ये भैया के जाने से काम हो जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, तो सुनिए अगर ये भैया खाना खाए आप मत खाइए, देखते हैं कैसे आपका पेट भरता है, समझ रहे हैं? अगर इनके करने से सारे काम हो जाएंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आज आप 50, 100, 200 लोग यहाँ बैठे तो प्रशासन इनके यहाँ आया और कहता है सर आप जैसे चाहेंगे हम ऊपर तक आपकी आवाज पहुँचाएंगे, और गलती से कहीं वहाँ पे 2000 आदमी बैठ गए दिल्ली में तो मोदी जी को दूर करा दे तो आपको क्या अच्छा लगेगा बताइए। और ज्यादा नहीं, यहाँ तो मेरी कहा 5 लोग लाइए, वहाँ मैं 5 के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि किसी के पास पैसा होता है नहीं होता है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, हम लोग एक के साथ एक को लेके जाएंगे, लेकिन लेके जरूर जाएंगे। तो पक्का प्रॉमिस है ये आप लोगों का, चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें मैं भी संघर्ष करूंगी, जबकि मैं आपको बताती हूँ मेरा एक रुपये नहीं है इसके अंदर, मैंने मेरी जो बच्ची बैठी हुई है एनजीओ से उसका भी पैसा नहीं है, लेकिन जो एनजीओ हम चला रहे हैं बाल एवं महिला विकास, वो महिला तो हमारी है ना, इनका पैसा फंसा तो ये महिला तो हमारे एनजीओ की हो गई ना, जरूर भी मेरी सभी महिला मेरी है, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए आप क्यों लोग गाड़ी पर चढ़ते हैं बस पर, तो क्यों कहते हैं बहन की साइड हो रही है, क्यों नहीं कहते पत्नी से जरा साइड दीजिए, क्योंकि पता है हर एक औरत को हम लोग बहन ही मानते हैं, सिर्फ एक औरत होती है जो हमारी पत्नी होती है, लेकिन बाकी जितनी है वो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है। तो यहाँ पे अगर पैसा फंसा है ना तो अकेले आपका नहीं, आपकी जिस सब बहन बेटियों का फंसा है, आपको अपने लिए संघर्ष नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपने लिए संघर्ष नहीं करना है, करना है तो बहन बेटी के लिए करना है। देखी हो काफी टाइम आप लोगों को हो चुका है, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित भाई संघर्ष कीजिए, हम सब आ रहे हैं। धन्यवाद आनंद जी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि पीएसएल से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।